ये बातें झूठी नहीं है कि हमारे इतिहास ने और हमारे आज ने नॉर्थ ईस्ट के सुनहरे पास्ट को भुला दिया। हमें विदेशी लुटेरों या दिल्ली सल्तनत तक की हिस्ट्री तो बताई गई, पर अपने नॉर्थ ईस्ट के ग्रेट एम्पायर्स तक को हिस्ट्री ने कभी भी याद नहीं किया, और उसमें एक है त्रिपुरा की माणिक्य डायनेस्टी। नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। त्रिपुरा इंडिया का थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट जरूर है, पर उसकी हेरिटेज बहुत महान है और उसका केंद्र है त्रिपुरा का रॉयल फैमिली। और वो एम्पायर जिसका इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है, जिसका वजूद इंसानी सभ्यता जितना पुराना है, और लूनर डायनेस्टी से माणिक्य डायनेस्टी तक जिसका झंडा हमेशा ऊंचा रहा। पर इसकी बात क्यों? क्यों ये जरूरी है कि त्रिपुरा की रॉयल फैमिली की हिस्ट्री आप तक पहुंचे? क्यों त्रिपुरा की रॉयल फैमिली के जरिए हम ये कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मैटर्स। अगले कुछ मिनटों में 5 पॉइंट के जरिए आसान भाषा में समझिए इंडियन हिस्ट्री से गायब इस गोल्डन चैप्टर को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को त्रिपुरा की रॉयल हिस्ट्री की झलक मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी मुहिम चलती रहेगी जब तक नॉर्थ ईस्ट को उसकी वाजिब पहचान नहीं मिल जाती। पॉइंट नंबर वन, इंडियन हिस्ट्री की बात आते ही मौर्य और गुप्ता का जिक्र होता है, या फिर दिल्ली सल्तनत और मुगलों का। पर इसमें से भी सबसे ज्यादा टाइम तक राज करने वाली एम्पायर मुगलों की थी, जिसका राज करीब 330 सालों तक रहा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के छोटे से प्रांत त्रिपुरा में सन 1400 में माणिक्य राज घराने का शासन शुरू हुआ, तो 1949 तक चलता रहा। इंडियन हिस्ट्री में आसाम के अहोम डायनेस्टी के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली एम्पायर यही थी, जिसने 550 साल तक इस राज्य पर राज किया। पॉइंट नंबर टू, किसी भी डायनेस्टी या फिर एम्पायर में कितने राजा हुए, ये आप अपनी स्कूल लाइफ में एग्जाम से पहले रट जरूर लिया करते थे, जैसे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर वगैरह वगैरह। 10 से 12 राजाओं के बाद कभी गद्दी या कभी दूसरे साम्राज्य के कारण वो डायनेस्टी खत्म। पर क्या आपको ये पता है कि त्रिपुरा पर राज करने वाले राजा महाराजाओं की संख्या 184 थी? त्रिपुरा की रॉयल क्रॉनिकल राजमाला बताती है कि पहले लूनर डायनेस्टी और फिर माणिक्य देववर्मा राजघराने से कुल मिलाकर 185 महाराजा बेधड़क बेरोक टोक राज करते रहे। इस लिहाज से सबसे ज्यादा महाराजा वाली एम्पायर भी यही थी। पॉइंट नंबर थ्री, त्रिपुरा में रॉयल क्रॉनिकल और वहां के इतिहास के अनुसार 185 राजा महाराजा हुए। पर आपको ये सुनकर आश्चर्य जरूर होगा कि इन 185 महाराजाओं के राजवंश ने जब अपना सबसे अहम फैसला लिया, तो उस वक्त इस रियासत को एक महाराजा नहीं बल्कि एक महारानी चला रही थी। एक्चुअली 1947 में जब त्रिपुरा के महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य का निधन हुआ, तब उनके बेटे और नए महाराज किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य की उम्र सिर्फ 14 साल थी। ऐसे में माइनर होने की वजह से रियासत की महारानी और स्वर्गीय महाराज की पत्नी कंचन प्रभा देवी रीजेंट के तौर पर त्रिपुरा में राजसत्ता संभालने लगी। और 1949 में उन्होंने ही भारत संघ में त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट के विलय के ऐतिहासिक मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किया। त्रिपुरा की रॉयल हिस्ट्री ये बताती है कि उज्जैनता पैलेस हर बदलाव का स्वागत करता था। इस रियासत ने न सिर्फ देश और विदेश के हर अच्छी चीजों को अपनाया, बल्कि दूसरी संस्कृति को भी पूरा सम्मान दिया। त्रिपुरा रॉयल फैमिली में कई मणिपुरी राजकुमारी ब्याह कर लाई गईं। मणिपुर के राजघरानों के साथ माणिक्य राजवंश के अच्छे रिश्ते रहे। त्रिपुरा के राज परिवार ने त्रिपुरी भाषाओं के साथ बांग्ला भाषा को भी सम्मान दिया। इतिहास कहता है कि कोकबोरोक भाषा की अपनी कोई राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी, इसी
इसीलिए बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ राजघराने की नजदीकियां गवाह है कि उस दौर के महाराजा में कला संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था। पॉइंट नंबर 5, 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने जब रियासतों और महाराजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स खत्म की, तब भारत में राजशाही की परंपरा खत्म हो गई। पर आज भी देश में कुछ रॉयल फैमिलीज और राजा महाराजा हैं, जिनमें से एक नाम त्रिपुरा के महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य का है। बुबागरा के नाम से जाने जाने वाले प्रद्योत आज भी त्रिपुरी लोगों के लिए महाराजा है, और वो भी उसी अंदाज में अपने त्रिपुरी लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। त्रिपुरा रॉयल फैमिली में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा हुए। कुछ की महानता ने उस वक्त त्रिपुरा का गौरव गान हर ओर किया। महाराजा वीर चंद्र किशोर माणिक्य और महाराजा विक्रम किशोर माणिक्य जैसे महाराजाओं ने त्रिपुरा को नई सोच नई पॉलिसी के साथ दुनिया के पैरेलल खड़ा कर दिया। 185 किंग्स इस डायनेस्टी को बढ़ाते रहे, पर ये हिस्ट्री हमें हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलती। इसीलिए ये मुहिम है कि नॉर्थ ईस्ट के ऐसे गौरवशाली इतिहास को इतिहास में उसकी जगह मिले, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मैटर्स। नमस्कार।